Hello, good morning students. How are you? Hope you all are fine. Well, students, today we will start our new topic of our new chapter that is an operating system, chapter number 2. So, student, this is your new topic. What is an operating system? First of all, you all have to know about what is an operating system. What is operating system? किसी भी कंप्यूटर को लैपटॉप को इवन आपके मोबाइल फ़ोन को रन करने के लिए जिस भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है उस सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं जस्ट लुक एट द पिक्चर दीज आर योर एप्लीकेशंस एप्लीकेशन मीन्स टू से दैट जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो कंप्यूटर में एज लाइक योर पेंट एम एस वर्ड एम एस एक्सल एंड ऑल्सो दीज आर द एप्लीकेशन नेक्स्ट वी हैव मोनिटर प्रिंटर माउस कीबोर्ड एंड हार्ड ड्राइव सो दीज ऑल आर पार्ट एंड दीज ऑल आर रिलेटेड टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दीज आर कनेक्टेड टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है हमारे पास सॉफ्टवेयर है जो हमारी हेल्प कहाँ पे कर रहा है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प करता है सो दिस इज ऑल्सो आर डायग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट हुई है वह यूज़र यूजर मीन्स टू से दैट यू आर वी आर लाइक यूज़र मीन्स टू से दैट हम लोग हम लोग कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम क्या हैं यूजर हैं एप्लीकेशन किस एप्लीकेशन के ऊपर आप काम कर रहे हो जैसे आप पेंट यूज कर रहे हो सो पेंट इज यूर एप्लीकेशन एम एस वर्ड यूज़ कर रहे हो एम एस वर्ड इज़ योर एप्लीकेशन नेक्स्ट हुई है वह ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी हेल्प कर रहा है यूजर की हेल्प कर रहा है एप्लीकेशन के ऊपर वर्क करने के लिए नेक्स्ट वी हैव अ हार्डवेयर हार्डवेयर आर द हार्डवेयर डिवाइजेज लाइक योर माउस की बोर्ड मोनिटर एंड प्रिंटर एंड ऑल सो ये वैसी डिवाइस है जिनको हम क्या कर सकते हैं टच कर सकते हैं सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव वट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट रन आ कम्प्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर है जिसे हम कंप्यूटर को रन करने के लिए यूज़ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव राइट एनी टू फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी दो फंक्शनस फर्स्ट फंक्शन वी हैविट एन एबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर क्या काम होता है इसका कम्युनिकेशन क्रिएट करना कम्युनिकेशन मीन्स टू से दैट जैसे हम किसी से बात करते हैं तो कंप्यूटर एंड यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करता है मीन यूज़र अगर किसी एप्लीकेशन को यूज़ करता है कंप्यूटर के ऊपर तो उसको इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी है कैसे पास आउट करनी है वो किसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इट मैनेजर्स एंड कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं मतलब अब हमारा माउस हो गया कीबोर्ड हो गया प्रिंटर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट सॉफ्टवेयर दैट इज़ योर एम एस पेंट एम एस वर्ड एंड ऑल कोई भी जिस भी एप्लीकेशन के ऊपर आप काम कर रहे हो दैट आर योर सॉफ्टवेयर तो उन पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी हेल्प करता है होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव थर्ड क्वेश्चन नंबर राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स है इस टाइम हमारे पास है तो बहुत सारे बट मैंने कुछ फोर एग्जाम्पल्स लिखी हैं फर्स्ट वी हैव विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वन न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ ई डी यू बन टू ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बच्चों के लिए स्पेशली डिवेल्प किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव वट इज़ ई डी यू बन टू अभी डी यू वन टू है क्या दिस इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर अ किड्स ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है और बाकी सॉफ्टवेयर की तरह ही काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही काम करता है बट स्पेशली ये किसके लिए क्रिएट किया गया है किड्स के लिए कि बच्चों के लिए इसमें जो एप्लीकेशन इन बिल्ट होती हैं पेंट एंड ऑल कुछ भी है वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही इसमें पहले से इंस्टॉल्ड हुए पड़े हैं सो नेक्स्ट आर्ट वट इज अ जी यू आई जी यू आई स्टैंड फॉर अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसके फुल फॉर्म से हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है फर्स्ट वी अ ग्राफिकल ग्राफिकल मीन्स टू से दैट किस कोई भी चीज ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइक एज अ डायग्राम्स यूजर मीन्स टू से दैट वी आर जो हम कंप्यूटर्स पर काम कर रहे हैं दैट आर द यूजर इंटरफेस का मतलब है कि कंप्यूटर के ऊपर जो काम कर रहा है यूजर का और एप्लीकेशन का आपस में तालमेल बनाना दैट इज कॉल अ इंटरफेस इट इज़ यूजर इंटरफेस दैट इंक्लूड द ग्राफिकल एलिमेंट सच एज विंडोज विंडोज मतलब जो भी हमने कंप्यूटर को ओपन किया है तो हमारे पास कुछ भी चीज़ ओपन हो रही है दैट इज़ अ विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सॉफ्टवेयर होता है नेक्स्ट वी है आइकन्स आइकन्स एज यू ऑल नो दैट ऑन डेस्कटॉप स्मोल पिक्चर्स लाइक इट इज़ कॉल द आइकन्स एंड बटंस बटंस मीन्स माउस के बटनस एंड स्टार वेन वी क्लिक ऑन आटार्ट इट इज़ ऑल्सो अ बटन तो ये सब चीजें होती हैं जिन जो कि यूजर और कंप्यूटर सिस्टम में एक आपस में तालमेल एक आपस में इंटरफेस क्रिएट करता है So, thank you, students. Hope you all understand. But if you have any doubt, you can call me anytime and you can ask me anytime. Thank you, students.